किस बैकग्राउंड के लोग आते हैं, खाली आई टी के वही आएंगे या मैथमेटिक्स वगैरह है, किस बैकग्राउंड के लोग आ सकते हैं। और जो मेरा मोटिवेशन लेटर था वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, उसके बेस पे मुझे इस पर एडमिशन मिल गया, क्योंकि साथ जो कुछ लोगों ने और भी अप्लाई किया था उनका 6 पे नहीं हुआ। अच्छा, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 6.5 कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने रिक्वायर किया होता है, तो हम अक्सर उनमें अप्लाई नहीं करते अगर हमारा बैंक कम है तो। लेकिन ये वाहिद यूनिवर्सिटी जिसने मुझे 3 दफ़ा डेफरमेंट लेटर दिया था। अच्छा, तीन दफ़ा, तीसरी दफ़ा में आया था। पाकिस्तान से आए तो थोड़ा सा मोटिवेशन लेटर को 3 पार्ट्स में कर लें। एक पहले अपनी हिस्ट्री बता दें और सब्जेक्ट का, किन किन फील्ड में जॉब्स और किन किन इंडस्ट्री में जॉब्स हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वेब और डाटा साइंस और कहीं नहीं जा सकते, लेकिन अगर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पाकिस्तान में और अपना प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटर्नशिप अप्लाई करना भी उसी तरह है जिस तरह बाकी के सारे हेल्प करते हैं, सीनियर्स वगैरह बहुत ज़्यादा हेल्प कर लेते हैं आपको, इतना मुश्किल कोर्स नहीं है। जो मुझे पहला एडमिशन लेटर मिला था वो इंट्रो टू वेब साइंस का मिला था। वो कहाँ पर मिला था? इसी यूनिवर्सिटी में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंदर एमआर पॉडकास्ट। मेरे साथ आज एक बड़े ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, जो कि वो वाली डिग्री कर रही हैं जो डिग्री की आजकल मुझसे 90% लोग पूछ रहे हैं कि यार वेब और डाटा साइंस की डिग्री का क्या स्कोप है, और डाटा साइंस का कोर्स स्पेशली बड़ा इन हुआ है और वेब डेवलपमेंट के भी हमारे बड़े जीते बैठे हैं पाकिस्तान में। तो अगर और एक्सपर्टीज़ लेनी है तो कोब्लेंस में आके वेब एंड डाटा साइंस का सीन पढ़ सकते हैं। आज हमारे साथ हैं रजा भाई, यहाँ पे कोब्लेंस में मास्टर्स कर रहे हैं। इन विच फील्ड? वेब एंड डाटा साइंस में मेरा मास्टर्स है, इट्स अ 2 ईयर्स प्रोग्राम। कौन से सेमेस्टर में आप? मैं अभी हूँ 4th सेमेस्टर, मेरा स्टार्ट हुआ है अभी। 4th सेमेस्टर स्टार्ट ही हुआ, ऑलमोस्ट स्टार्ट। ठीक है, मतलब तकरीबन एंड होने वाली है डिग्री। तो हम एक तो डिग्री का एक्सपीरियंस पूछेंगे, और वेब एंड डेटा साइंस में बेसिकली किस बैकग्राउंड के लोग आते हैं, खाली आईटी के वही आएंगे या मैथमेटिक्स वगैरह है, किस बैकग्राउंड के लोग आ सकते हैं? मतलब देखा जाए तो ये जो हमारा जो मास्टर्स का कोर्स है, ये दो चीज़, मतलब दो में, जैसे आप नाम से आपको लग रहा है कि वेब एंड डेटा साइंस, ऑलमोस्ट कैरियर्स भी सेम है हमारे वेब एंड डेटा साइंस के, वेब के थोड़े से ज़्यादा हैं, दो कैरियर ज़्यादा हैं। कोर कोर्सेज में यही है कि 3 कोर्सेज आपके वेब के हैं और 3 आपके डाटा के हैं। और बैकग्राउंड के देखा जाए तो मेरा तो बैकग्राउंड आईटी से था, कॉमर्स साइंस में था, इसमें ज़्यादातर मैथ्स के भी आ सकते हैं, लेकिन हमारे साथ इस यूनिवर्सिटी में एक और डिग्री मैथमेटिक्स मॉडलिंग की, उसमें भी आ सकते हैं मैथ्स में और इसमें भी आ सकते हैं मैथ्स में, क्योंकि इसमें जो मोस्टली कोर्सेज हैं वो मैथ्स से रिलेटेड हैं, जैसे मशीन लर्निंग हो गया, बाकी डाटा साइंस है एक, और एक और एक है बिग डाटा। ये 3 हमारे मेन कोर्सेज हैं डाटा साइंस से रिलेटेड। बाकी वेबसाइट मैनेजमेंट फील्ड्स हैं तो उससे भी आ सकते हैं, जैसे कि अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो हमारा एक दोस्त है वो बीकॉम करके आया, तो उसने बीकॉम किया हुआ, तो उसके पास मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, लेकिन उसने बीकॉम करके भी आ, बीकॉम सिक्योर करके, मतलब बीकॉम के बाद उसने एक और डिप्लोमा भी किया था, उसके बेस पे उसने यहाँ पे अप्लाई किया, तो उसका भी एक्सपीरियंस को भी देखते हैं, एक्सपीरियंस को भी देखते हैं। जैसे कि अगर मैं देखा जाऊँ तो मेरा एक्सपीरियंस देखा गया था, क्योंकि इस डिग्री के लिए आप, क्योंकि जो मेरे पास डिग्री के लिए चाहिए वो 6.5 चाहिए, तो मेरा जो आइट्स था वो 6 था, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस था वेब का, और जो मेरा मोटिवेशन लेटर था वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, उसके बेस पे मुझे इस पर एडमिशन मिल गया, क्योंकि साथ जो कुछ लोगों ने और भी अप्लाई किया था उनका 6 पे नहीं हुआ, लेकिन 6.5 आइट्स मिनिमम आपको चाहिए है यहाँ पे। अच्छा, आपको 6.5 नहीं भी था तब भी आपको 6 बैंड पे एडमिशन मिल गया, 6 बैंड में एडमिशन मिल गया, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ में। अच्छा, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 6.5 कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने रिक्वायर किया होता है, तो हम अक्सर उनमें अप्लाई नहीं करते अगर हमारा बैंड कम है तो, बट इनका बैंड कम था, 6 आया था, लेकिन फिर भी उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया जिसकी बैंड रिक्वायरमेंट 6.5 थी। ये बड़ी आपने नई चीज़ बताई है, बता आपको। तो आपने अप्लाई क्यों किया था? आपको हुआ नहीं कि 6.5 है तो वैसे रिजेक्ट कर दें? जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने मुझे कहा था, डिपेंड करता है कि आपका मोटिवेशन लेटर कैसा है और आपका प्रोफाइल कैसा है, क्योंकि मोस्टली डिग्रीज आपका प्रोफाइल देखती हैं और आपको मोटिवेशन लेटर देखती हैं। तो मैंने अपने मोटिवेशन लेटर पर बहुत ध्यान दिया था, मैंने मोस्टली 7 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था और मेरा 4 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेटर आ गया था, लेकिन ये वाहिद यूनिवर्सिटी जिसने मुझे 3 दफ़ा डेफरमेंट लेटर दिया था। अच्छा, तीन दफ़ा, तीसरी दफ़ा में आया था और तीसरी दफ़ा भी मैं नहीं आना चाह रहा था, लेकिन उससे मुझे लेना ज़रूरी था क्योंकि मेरे वीज़ा अपॉइंटमेंट आने वाली थी, क्योंकि वीज़ा आपके, आपको पता है अपॉइंटमेंट 17 मंथ। डेफरमेंट लेटर होता है कि आपका एक सेमेस्टर में एडमिशन हो लेकिन आप किसी भी वजह से ना आ सके हो, तो उस नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको डेफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, सारी नहीं करती, तो ये बड़ी अच्छी बात है कोब्लेंस यूनिवर्सिटी की। तो इन्होंने 3 बार डेफर किया, जैसे मुझे 4 में से सिर्फ एक वाहिद यूनिवर्सिटी ने डेफरमेंट लेटर ऑफर किया था बस। ठीक है, हम थोड़ा जाते हैं डिटेल में कोर्स के। आपने जिस तरह बताया 3 आपके डेटा साइंस के थे, वेब डेवलपमेंट के से रिलेवेंट कौन से कोर्सेज हैं? वेब के हैं हमारा एक इंट्रो टू वेब साइंस है, एक वाहिद कोर्स है जो 8 कैडर्स का है, बाकी सारे हमारे कोर कोर्सेज 6 कैडर्स के हैं। ठीक है, उसके बाद एक हमारा है, उसे कहते हैं कि इंजीनियरिंग
इन वेब इंजीनियरिंग वेब एंड डाटा इंटेंसिव सिस्टम, और तीसरा जो हमारा मेन कोर्स है वो नेटवर्किंग थ्री नेटवर्क थ्योरी एंड डायनामिक सिस्टम्स। तो ये हमारे तीन वेब से रिलेटेड कोर्सेज हैं। बाकी हमारे 6 इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं, वो टोटली आप पर हैं। उसमें हमारे पास अच्छे खासे कोर्सेज हैं, आप कोई भी उठा सकते हैं। मैनेजमेंट के वेब से रिलेटेड भी हैं, डाटा से रिलेटेड भी हैं, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो डिग्री आपको कैसी लगी? थोड़ी मुश्किल थी, अब निकल गई? ठीक है, निकल गई ऑलमोस्ट। लेकिन ये कि अगर आप पाकिस्तान से आएँ तो थोड़ा सा एफर्ट डालने पड़ते, क्योंकि यहाँ पे कल्चर थोड़ा सा डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में अलग सीन है, यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन ये कि हो जाती है, इतनी मुश्किल नहीं है। क्योंकि अपनी भी एफर्ट होती है कि आप क्या चीज़ें विलिंग है खुद सीखने के लिए, क्योंकि टीचर ना हाथ पकड़ के आपको हर चीज़ नहीं सिखाता है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें खुद भी आपको नेट से सर्च करके देखनी पड़ती हैं। खैर, इसकी अब स्कोप का थोड़ा सा बात कर लें। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स की, हाँ, मोटिवेशन लेटर मैं हमेशा कहता हूँ बड़ा ज़रूरी होता है। खुद लिख के ना किसी उस बंदे को भी चेक करा दो जो मतलब एक्सपर्ट है थोड़ा मोटिवेशन लेटर में, जो बड़ी चीज़ होती है। अगेन, अगर कराएं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में सारी ना आपको दी होंगी सर्विसेज, आप कर सकते हो। उसमें भी एक आया था मुझे मोटिवेशन लेटर, वो जेनेरिक लिख देते हैं लोग ना, मेरे ख्याल उस जेनेरिक की वजह से अक्सर काम खराब हो जाता है, क्योंकि आपने फील्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उससे कहते हैं कि अपने मोटिवेशन लेटर को तीन पार्ट्स में कर लें। एक पहले अपनी हिस्ट्री बता दें, और एंड पे आप बता दें अपनी मतलब जो कंक्लूजन होता है, और मिड में आप उस कोर्स को लेकर चलें कि आप उस कोर्स में क्या मतलब क्या पुट करेंगे, और आप क्यों चाहते हैं इंटरेस्ट अपना शेयर करें। लोग क्या करते हैं थ्रू आउट अपनी मतलब ये बताते हैं कि हम कैसी चीज़ें कर लेंगे, लेकिन उस कोर्स रिलेटेड कुछ नहीं बताते। जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, एटलीस्ट उसके कोर्स उसका कोर्स कैटलॉग देखें पूरा, और आप एटलीस्ट उसके 4 या 5 कोर्सेज को उस मोटिवेशन लेटर में लिखें कि मैं इस कोर्सेज में इसलिए मास्टर्स करना चाह रहा हूँ कि मेरा इंटरेस्ट है, ताकि जो पढ़ रहा है उसको लगे कि आपका है, वाकई पढ़ा है इसने, बिना पढ़े नहीं अप्लाई करे जा रहे। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। स्कोप क्या लगता है आप सब्जेक्ट का, किन किन फील्ड में जॉब्स और किन किन इंडस्ट्री में जॉब्स हैं? आप एक तो फायदा है कि आपको इस डिग्री में आपके 2 कवर हो रहे हैं। जैसे अगर tu.mn में जाएंगे तो आप वहाँ पे भी डाटा साइंस है, लेकिन वो टोटली कोर्स डाटा साइंस पे है। लेकिन हमारी डिग्री है कि वेब एंड डाटा साइंस पे है। तो मेरे पास भी प्रीवियस एक्सपीरियंस वेब का था, तो मैं जो अभी जॉब कर रहा हूँ एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर कर रहा हूँ, एज अ वेब में कर रहा हूँ। आपके पास थ्रू आउट एक्सपीरियंस है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ वेब और डाटा साइंस के सवार पर ये नहीं जा सकते। ठीक है, अभी जो मेरा जो रूममेट है, अपार्टमेंट मेट है, वो सेल्स फोर्स डेवलपर था, लेकिन वो डिग्री कर रहा है, लेकिन वो एज अ फुल टाइम लगा सेल्स फोर्स डेवलपर पे। तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन ये कि अगर आप डाटा साइंस की फील्ड देखेंगे तो ऑफकोर्स वो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम लगता है इसको जॉब को सिक्योर करने में। लेकिन अगर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पाकिस्तान में और अपना प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे पहले एटलीस्ट इंटर्नशिप्स कर लें, 4-5 मतलब 4-5 महीने की इंटर्नशिप्स कर लें पाकिस्तान से, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा सा मार्केट में इन होने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी। कभी भी एक्सपीरियंस आपका ना वो ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटर्नशिप अप्लाई करना भी उसी तरह जिस तरह जॉब अप्लाई करना, स्पेशली पहली वाली, क्योंकि पहली के लिए आपको सही मेहनत चाहिए होती है। आपको लोग अप्लाई करते हैं, 300 कंपनियों से रिजेक्शन आ रही होती है। उसका रीज़न ये होता है कि शुरू में पहले जो उस बंदे ने आपको रखना है ना, उसे देखना है यार इस बंदे को सिखाना पड़ेगा, उसे कुछ भी नहीं आता। लेकिन मिल जाती हैं। मुझे जिस तरह मेरा एक्सपीरियंस नहीं था पाकिस्तान में से, लेकिन मुझे भी इंटर्नशिप मिल गई थी। ये कॉन्टैक्ट्स बड़े आपके मैटर करते हैं कि तो नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है ना कहीं से जुगाड़ लगा के आप निकल जाते हो। टोटल रिक्वायरमेंट थी वेब एंड डेटा साइंस की। कोर्स में रिकमेंड करेंगे लोगों को अगर आना चाहते हैं तो, कोर्स सिटी वाइज अच्छा है सारा, यूनिवर्सिटी कैसी है? ये कि आपको हर तरह से मतलब आसान है। एक तो कोर्स इंग्लिश में आपका, बाकी पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, बाकी के सारे हेल्प करते हैं, सीनियर्स वगैरह बहुत ज़्यादा हेल्प कर लेते हैं आपको। इतना मुश्किल कोर्स नहीं है, थोड़ा सा लेंथी होता है, क्योंकि इसमें आपके एक तो 12 कोर्सेज आपको करने हैं, 6 कोर हैं, फिर 6 इलेक्टिव हैं, उसके बाद एक सेमिनार करना होता है आपको, फिर एक रिसर्च लैब करनी होती है ग्रुप में, उसके बाद एक थीसिस होता है। ये सारी चीज़ें कंपलसरी आपको करना है डिग्री के लिए, लेकिन ये टाइम लगता है आपको करने वाले, आपको पता है 2 साल में भी कर लेते हैं, लेकिन डिग्री अच्छी है, लेकिन डिग्री ऑफ कोर्स अच्छी आपको मिलता है, मतलब बहुत कुछ, चूँकि आपको पता है आजकल डाटा में हर तरह से डाटा कुछ भी कर लें आप, डाटा में सिर्फ डाटा की एक डाटा साइंटिस्ट नहीं है, बहुत कुछ है। तो इसलिए ऑफकोर्स ये मैं रिकमेंड तो करूँगा, जरूर आए। जानता हूँ मैं, एक डाटा साइंस tu.mn करा रही है, और एक हमारी यूनिवर्सिटी जो वेब एंड डाटा साइंस करा रही है। मेरे आने से पहले पहला सेमेस्टर जो था, जो मुझे पहला एडमिशन लेटर मिला था, वो इंट्रो टू वेब साइंस का मिला था। वो कहाँ पे मिला था? इसी यूनिवर्सिटी में मिला। ये जो डिग्री थी ये इंट्रो टू वेब साइंस थी, लेकिन जब मेरा डिफरमेंट हुआ तो मेरी डिग्री हो गई थी इंट्रो टू वेब एंड डाटा साइंस की। तो मेरे ये कहा कि मुझे डबल टाइटल की डिग्री मिल गई थी, तो ये हाँ मैं खुश हूँ। ये सही है, जब तक तो खुश हो। चले जी, होपफुली आपको ये पॉडकास्ट हेल्प किया होगा। रज़ा भाई को सारे थैंक यू बोलना, पता नहीं क्यों बार बार हसन कह रहा हूँ, मेरे जेन में कौन है हसन नाम का, हसन रज़ा मेरे जेन में था, लेकिन ये हसन रज़ा नहीं है, मुमताज़ रज़ा। ठीक है, अगेन मैं बता दूँ, 10 साल बाद मिल रहे हैं हम, तो मेरा बनता है थोड़ा सा भूलना, थोड़ा बनता है। ठीक है जी, आप दुआ में याद रखिएगा, कोई पैगाम देंगे, सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि भाई का पहले
10 फॉलोवर्स में से। हाँ, ये मेरे पहले 10 फॉलोवर में से है, तो आप देख लें 10 साल 10 फॉलोवर। हाँ, और क्या कॉन्फिडेंस है। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट मिलते हैं। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।